एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं हूं गीतांजलि शर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं अपने वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला जो उनका रिजल्ट है वो कैसे हो सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट कर जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, आप इसके रिजल्ट्स को छोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे सामने ये 6 पाइल्स हैं। और हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी आप किसी पाइल को चूज करते हैं तो अपने ईश, अपने भगवान को जरूर याद कीजिएगा, और थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कीजिएगा। और इसमें से जो भी आपको पाइल, जो भी स्टोन आपको सिलेक्ट करना है, ये ब्लू स्टोन है, ये ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन है, ये रेड स्टोन है, दिस इज पिंक, ग्रीन एंड ब्राउन, आपको इन 6 स्टोन्स में से, ऑल 6 स्टोन्स में से आपको जो भी स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है, आप अपने इस किसी भी पाइल को, आप इनमें से किसी भी स्टोन को चूज कर सकते हैं। आई होप आपने अपनी पसंद की पाइल, अपने पसंद का स्टोन चूज कर दिया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए जो एग्जाम्स है उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ब्लू के लिए देखते हैं, अगर हम देखें तो ब्लू के लिए है द वर्ल्ड कार्ड, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपको यस आंसर की तरफ लेके जाता है कि यस, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आप अपने एग्जाम्स के लिए जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे बहुत ही अगर आप कंसंट्रेशन के साथ करते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस जो है वो स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। दूसरा है ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन, आप इसमें देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। जिन्होंने सेकंड पाइल चूज किया, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन चूज किया, उनके लिए मैं बोलूंगी कि आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है इमोशंस में ज्यादा फंसे हुए हैं आजकल, या बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट में हैं, तो मुझे लगता है उससे बाहर आइएगा ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर लें। बात करते हैं रेड स्टोन में, जिन्होंने रेड स्टोन चूज किया या जिन्होंने थर्ड पाइल चूज किया, उनके लिए है द एम्प्रेस कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड भी बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिसमें आपके मदर का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है आपको हेल्प करने के लिए, आपको कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो जरूर रहेंगी। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने थर्ड पाइल चूज किया उनके लिए एग्जाम्स में कुछ अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस जो है वो स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं फोर्थ पाइल की, यानी कि जिन्होंने ब्राउन स्टोन चूज किया उनके लिए कैसा रिजल्ट देख सकते हैं हम लोग। तो हियर इज अ सन कार्ड, एंड द सन कार्ड अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। और तो जिन्होंने फोर्थ पाइल चूज किया, यानी कि जिन्होंने ब्राउन स्टोन चूज किया, आई थिंक कि उनके लिए भी ये जो एग्जाम्स हैं ये कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं। आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कंटिन्यू करते रहिए अपनी मेहनत को, बिल्कुल भी गिव अप मत कीजिएगा, एंड तक लगे रहिए, आपके एग्जाम्स में रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस अच्छे स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। सो दोज हु हैव चूजन दिस ग्रीन स्टोन, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या है। आपके लिए है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने किसी ऐसे सिचुएशंस में फंसे हुए हैं जहां पर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने एग्जाम्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सके। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस टाइम आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए सिक्स पाइल जिन्होंने चूज किया, पिंक स्टोन जिन्होंने चूज किया उनके लिए देख लेते हैं। तो यहां पर है हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बट इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर इतना ज्यादा है या खुद आप इतने कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो है टाइम नहीं निकाल पाते हैं, कुछ ऐसे चीजों में फंस गए हैं, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं जिन्हें आप नहीं कर पा रहे, कोप अप नहीं कर पा रहे, तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम्स की तैयारियों के लिए आप बहुत पीछे हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, आपको अच्छे ज्ञान और विजडम के साथ आगे बढ़ना चाहिए तभी आप इन एग्जाम्स को तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पाइल को चूज किया उनके लिए रिजल्ट्स अच्छे आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, और जिन्होंने सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ पाइल को चूज किया कहीं ना कहीं उनके लिए रिजल्ट्स जो है वो थोड़े से इस बार मायूसी वाले हो सकते हैं। तो चलिए ये तो था जिन्होंने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आज के इस एपिसोड में। तो चलिए ये थी हमारी आज की रीडिंग, जो बच्चे एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। आई होप कि आपके साथ ये रेजोनेट करे जो भी ये पाइल चूज करें। तो जिनके लिए एडवाइसेस हैं वो प्लीज उन एडवाइसेस के साथ चलें, तो हो सकता है कि उनको भी रिजल्ट्स अच्छे मिल जाए। तो आप गिव अप मत कीजिएगा, तैयारी करते रहिएगा एंड तक। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही जल्दी ही आपके सामने और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का धन्यवाद।